फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडेज इंग्लिश लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, बहुत बार हम किसी इंसान, वस्तु या जगह के लिए कहते हैं कि यह बस नाम का है। यानी कि अगर आप किसी डॉक्टर के लिए कहते हैं कि वह बस नाम का डॉक्टर है, यानी कि ना उसकी पर्सनैलिटी डॉक्टर वाली है, ना उसे इतनी नॉलेज है, या फिर आप किसी जगह के लिए कहते हैं जैसे कि यह होटल बस नाम का है, यानी कि इसमें होटल वाली कोई बात ही नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत बार हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं, वह सुंदर भी है और सुशील भी, वह होशियार भी है और हसमुख भी। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये भी आज हम सीखेंगे। सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आई स्प्लिट दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स। अगर आप पर्टिकुलर पार्ट को देखना चाहते हैं तो टाइमिंग गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से टाइमिंग देखकर पर्टिकुलर पार्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वह सिर्फ कहने के लिए डॉक्टर है। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, जस्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टू से, या फिर नोट प्लस अदर वर्ड प्लस स्पीक ऑफ। ही इज जस्ट अ डॉक्टर टू से, या फिर ही इज नोट अ डॉक्टर स्पीक ऑफ। इस चीज़ का ध्यान रखना, नोट के बाद अदर वर्ड आएगा, देन स्पीक ऑफ। यहाँ अदर वर्ड नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन होता है नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, या हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं। एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है, यानी कि वह अमीर है, गरीब है, सुंदर, काला, भूरा, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। वह बस कहने के लिए अमीर है, ही इज जस्ट अ रिच टू से, या फिर ही इज नॉट अ रिच स्पीक ऑफ। वह बस कहने के लिए शरीफ है, यानी कि वह नाम का शरीफ है नहीं। ही इज नॉट एन इनोसेंट स्पीक ऑफ, या फिर ही इज जस्ट एन इनोसेंट टू से। अगर हमारे पास नाउन या एडजेक्टिव नहीं है तब हम यूज़ करेंगे नथिंग स्पीक ऑफ का। क्या यूज़ करेंगे? नथिंग स्पीक ऑफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह होटल बस कहने के लिए है, दिस होटल इज नथिंग स्पीक ऑफ। यह बस कहने के लिए स्कूल है, दिस स्कूल इज नथिंग स्पीक ऑफ। यह बस कहने के लिए गाड़ी है, दिस कार इज नथिंग स्पीक ऑफ। यह बस कहने के लिए दुकान है, दिस शॉप इज नथिंग स्पीक ऑफ। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब आते हैं पार्ट टू पर। निहाल कमीना भी है और लालची भी। निहाल इज बोथ मीन एंड ग्रीडी। कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस को? निहाल इज बोथ मीन एंड ग्रीडी। मीन होता है कमीना, ग्रीडी होता है लालची। वह होशियार भी है और हसमुख भी। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड चीयरफुल। वह चतुर भी है और घमंडी भी। ही इज बोथ क्लेवर एंड वेन। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, वेन का मतलब होता है घमंडी। यह घर बड़ा भी है और खूबसूरत भी। दिस हाउस इज बोथ बिग एंड ब्यूटीफुल। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।